गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन चैप्टर को, और विटामिन चैप्टर आपका किस में है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर है। डी फार्म सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, टेंथ और ट्वेल्थ वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल। विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं आपके। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर होता है और सेल फंक्शन होता है उसको मेंटेन कराने का काम करते हैं। कौन? विटामिन। सिंपल सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है आपके विटामिन, और जो सेल फंक्शन है और सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं विटामिन। सिंस दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, दे शुड बी एडेड इन द ह्यूमन डाइट। इसको हम क्या करते हैं, ह्यूमन डाइट में एडेड करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। बाहर से हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल सोर्स द्वारा बॉडी के अंदर टेक करते हैं, लेते हैं इसको। और करके देखो क्या लिखा है, ए न्यूट्रिएंट दैट बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी। मतलब एक ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे बोल सकते हैं तो जो शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं शरीर की कार्य कराने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए, उनको बोलते हैं विटामिन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की। हाँ, उससे पहले ये आपका रहेगा, विटामिन मोस्टली आर ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल से आपको प्राप्त होते हैं विटामिन। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इसका दो प्रकार में बांटा गया है, फैट सोलबल विटामिन और वाटर सोलबल विटामिन। जो फैट सोलबल विटामिन है वो आपके चार प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मतलब ए डी ई के क्या हैं आपके, फैट सोलबल विटामिन है। और जो वाटर सोलबल विटामिन है वो क्या है आपके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सब आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इन सबको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे देखते हैं क्या लिखा है, दीज आर स्टोर्ड इन द लिवर। जो आपके फैट सोलबल विटामिन है, फैट वाले विटामिन आपके कहाँ होते हैं स्टोर, लिवर के अंदर स्टोर होकर रहते हैं, नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होते, स्टोर होके रहते हैं ये। कौन वा? फैट सोलबल वाले विटामिन आपके। हाई अमाउंट कॉज हाइपर विटामिनोसिस। अगर इनका हाई अमाउंट बॉडी के अंदर हो जाएगा अवेलेबल, तो क्या हो जाएगा आपको, हाइपर विटामिनोसिस कंडीशन हो जाएगी। कब? जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जब इन वाले विटामिन की मात्रा बॉडी के अंदर। इधर देखते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये किसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के। दीज आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। कौन से वाले? वाटर वाले। जो पानी के अंदर घुलने वाले विटामिन है वो स्टोर नहीं होंगे, जो फैट के अंदर वाले विटामिन है आपके वो बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहते हैं लीवर के अंदर। बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। तो केमिकल नेम आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। जैसे पूछ लिया हमने विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव दे दिया रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन, तो जो सही है वो आप उस पर टिक लगा देंगे। या फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती है कि विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो लिखिए, तो आप यहाँ से आप उनको सबको देखते हैं। देखो विटामिन ए, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, ये सब क्या है आपके केमिकल नेम, जो ब्रैकेट मैंने लिखे हैं क्या है आपके, केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, सही से पकड़ो बेटा। विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन्स। अब नेक्स्ट आते हैं इधर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पास, ये वाले कौन से थे, फैट वाले हमारे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर सोलबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन बी टू का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का नाम क्या है, नियासिन। विटामिन बी5 का नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का नाम क्या है, बायोटिन। विटामिन बी9 का नाम क्या है, फॉलेट और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बी7 थायमिन भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी12 कोवैलामिन या साइनोकोवैलामिन। और विटामिन बी सी क्या है, विटामिन सी क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये तो हमारे क्या थे आपके विटामिन का वो था केमिकल नेम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने न्यूट्रिएंट होने चाहिए और इनकी कमी से क्या रोग होता है, वो देखते हैं अभी हम। अब इस टेबल की मदद से हम ये देखते हैं कि जो आपके फैट सोलबल विटामिन थे
उनके बारे में देखते हैं। उसका जैसे अभी हमने देखा था उसका केमिकल नाम क्या है, अब उसका सोर्स देखते हैं। सोर्स तो विटामिन ए का जो सोर्स है वो क्या है, मिल्क, बटर, चीज़, एग योल्क, फिश लिवर ऑयल, ग्रीन लीफली वेजिटेबल और राइप फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, टमाटो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलते हैं आपको। फंक्शन क्या है विटामिन ए का, मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी एपिथेलियम टिश्यू, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रेटिना एंड विजन। ये आपके क्या करता है, जो एपिथेलियम टिश्यू है उनको मेंटेन करेगा और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेटिना और जो आपका आँखों में दिक्कत होती है उसको ट्रीट करने काम में आएगा कौन, विटामिन ए। डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, स्टंटेड ग्रोथ, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस ऑफ आई, जीरो प्लीथीमिया, कैरेटिनोजेनेशन, मतलब जो ग्रोथ है आपकी वो कैसे हो जाएगी, थोड़ी रुकी हुई हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपको, मतलब रात में आपको कम दिखा करेगा, ड्राइनेस ऑफ आई, आँखों में सूखापन लगेगा आपको। ये सारे क्या है आपके, डेफिशिएंसी हैं। अब बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट की, कितना होना चाहिए, तो 750 माइक्रोग्राम होना चाहिए एक एडल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी की, तो इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ये इसका सोर्स क्या है, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, चीज़, एग योल्क, ये इसके क्या है सोर्स है। ये क्या है इसका, ये इसका फंक्शन है, ये क्या काम करेगा, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस फॉर द हेल्दी बोन्स एंड टीथ्स। जो हेल्दी बोन एंड टीथ्स होगा उसके लिए एब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का और फॉस्फोरस का, कौन, विटामिन डी। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसीमिया, जो बच्चों के अंदर हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 2.5 माइक्रोग्राम, इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक जनरल रिक्वायरमेंट है इतनी एडल्ट के लिए। अब बात करते हैं विटामिन ई की, विटामिन ई का नाम क्या, केमिकल है टोकोफेरॉल। इसका ये क्या है, सोर्स है एग योल, ये सोर्स आपको लगभग कॉमन मिलेंगे इनके अंदर। नेक्स्ट आपका ये क्या है, फंक्शनिंग के क्या काम कर रहा है, मेंटेन अ हेल्दी मस्कुलर सिस्टम एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है विटामिन ई और हेल्दी मस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है विटामिन ई। एनीमिया इन द प्रेग्नेंट वूमन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम अराइज होगी, ये समस्या आपने आपको देखने को मिलेगी। अमाउंट देखते हैं तो 8-10 माइक्रोग्राम इतना अमाउंट होना चाहिए इसके बॉडी के अंदर। बात करते हैं विटामिन के की, इसका नाम क्या है, फाइलोक्यूनॉन्स, ठीक है। इस ये कहाँ से मिलेगा आपको, कीवेज, कॉलीफ्लावर, फिश लिवर फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल, यहाँ से आपको मिलने के चांस हैं। फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर 7, 9, and 10 इन द लिवर, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका काम करेगा ये। तो इसका ये क्या करेगा, जो फैक्टर होते हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर उसको हेल्प करता है, कौन, विटामिन के। अब इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, अगर आपको विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है वो काफ़ी देरी से होगा, सो स्लो ब्लड क्लॉट एंड होमरेज इन द न्यू बॉन्स, और जो नवजात शिशु हैं उनके अंदर क्या होगा, खून का थक्का जमने में उनमें टाइम लगेगा, ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं कब, जब विटामिन के की कमी हो जाएगी। जब 70 से लेकर 140 ग्राम इसके अंदर डेली होनी चाहिए, इसकी नीड होनी चाहिए, डाइटरी रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं, ये वाले विटामिन थे हमारे, ऊपर करो थोड़ा, ये विटामिन थे आपके कौन से, फैट सोलोबल। अब बात करते हैं वाटर सोलोबल विटामिन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो आपका क्या होगा, पूरी चीज़ कवर हो जाएगी यहीं से आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। विटामिन एंड देयर नेम्स, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। नाम तो मैं सभी को बता चुका हूँ इसका। ये देखो सोर्स, ये लिवर, यीस्ट और जर्म ऑफ द सेल, ये सब यहाँ से पाया जाएगा। फंक्शन इसका, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड, न्यूट्रिशन ऑफ द नर्व सेल, ये इसका फंक्शन है। डिफिशियंसी की बात करते हैं, जनरल फैटिग्यू, लॉस ऑफ मसल्स, टोन एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द बेरी बेरी होने के चांस हैं। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं 1-1.5 माइक्रोग्राम किसकी, विटामिन B1 की, ये इसके कहते सोर्स थे। विटामिन B2 देखते हैं, लिवर, यीस्ट, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, ये यहाँ से इसको मिलेगा आपको विटामिन B2। फंक्शन, नेसेसरी ऑफ टिश्यू ऑक्सीडेशन एंड द ग्रोथ,
टिश्यू ऑक्सीडेशन कराएगा और ग्रोथ कराएगा टिश्यू की। डेफिशिएंसी एंगुलर सोमेटाइटिस एंड डर्मेटाइटिस एंड आई लेसन्स, इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, आँखों के घाव हो जाएंगे और जो ये सब आपको देखने को प्रॉब्लम अराइज होगी। 1.5 से लेकर 2 माइक्रोग्राम इसकी नीड होती है अकॉर्डिंग टू एडल्ट। अब बात करते हैं विटामिन B6 की। पायरेडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। मीट लिवर वेजिटेबल ब्रेन ऑफ सेरेलैक एग योल्क बीन्स एंड सोयाबीन्स, यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक, अब फंक्शन इसका देखो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड WBC, किसका काम है, विटामिन B6 का काम है। डेफिशिएंसी रेयरली ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन द फूड, बहुत कम देखने को मिलती है ये इसका अमाउंट है 1.25 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 साइनोकोबैलेनम लिवर मिल्क मोल्ड फर्मेंटेशन लिकोराइज, यहाँ से आपको मिलता है लिकर्स शराब से। काम क्या है इसका, मैचुरेशन ऑफ द RBC, जो RBC सेल होती हैं उनको मैचुरेशन कराता है, कौन, विटामिन B12। डेफिशिएंसी परनेसिस अनीमिया मैग्लोसोब्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया कराता है ये, इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी। इधर आओ, विटामिन B9, इसका नाम क्या है, फॉलिक एसिड, कहाँ से मिलेगा, डार्क ग्रीन वेजिटेबल लिवर किडनी एग। फंक्शन क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ RBC का फॉर्मेशन कराना। विटामिन B12 क्या करा रहा था आपका, RBC को मैच्योर करा रहा था, ये क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा विटामिन B9। अब इसकी कमी से भी क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और डायरिया। अमाउंट की बात करते हैं, 200 ग्राम होना चाहिए बॉडी के अंदर। विटामिन B3 यीस्ट होफेल फिश पल्स और होल मील से कैरल्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, मेटाबॉलिक फंक्शन इन द सेल नेसेसरी फॉर द टिश्यू ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक है। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, तो इससे होने वाला दिक्कत क्या है, प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी कॉज द पेलेग्रा डर्मेटाइटिस और डायरिया एंड डिमेंशिया। इसका अमाउंट देखते हैं 10 to 20 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं B5 की, तो इसको कहाँ से मिलेगा, लिवर यीस्ट एग योल्क एंड फिश फ्रेश वेजिटेबल, यहाँ से मिलेगा। इसका काम भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगा ये बॉडी को, विटामिन B5। डेफिशिएंसी डर्मेटाइटिस एड्रिनल इनसफिशियंसी, ये इसकी डेफिशिएंसी होने वाला सिंड्रोम है। 6 माइक्रोग्राम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। विटामिन B7 बायोटिन इसका केमिकल नेम है। यीस्ट लिवर किडनी पल्स एंड नट्स, यहाँ से ही आपको मिलेगा। फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होगा उसको कार्बोहाइड्रेट फैट कराएगा, मेटाबोलाइज कराएगा, ग्रोथ कराएगा बैक्टीरिया के लिए, जो बॉडी के अंदर बॉडी के लिए एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। कमी डर्मेटाइटिस इन द कंजक्टिविटीज, जो आईज होंगी उसमें प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, जो आईज की मेम्ब्रेन होती है वहाँ। अमाउंट 100 to 300 माइक्रोग्राम। MG क्या था आपका, नहीं चलो नेक्स्ट देखो। विटामिन विटामिन सी इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, कहाँ से मिलता है, जो सिट्रस फूड होते हैं आपके खट्टे खट्टे वाले, जैसे आपके नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, वहाँ से आपको ये मिलता है। ठीक, बेरीज ग्रीन वेजिटेबल पटेटोज़ और लिवर ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द एनिमल, वहाँ से आपको ये मिलेगा, कौन, विटामिन सी। काम देखो, फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड द मैचुरेशन ऑफ RBC, जो मैट्रिक्स है इंट्रासेलुलर फ्लूड है, मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है बताओ, जिसको पता है वो कमेंट में लिखे जरूर, मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूड होता है मैट्रिक्स। ठीक, मैचुरेशन ये क्या कराएगा, RBC का मैचुरेशन कराएगा, कौन, विटामिन सी। अब देखते हैं इसकी कमी से होता क्या है, मल्टीपल हेमरेज स्लो वाउंड हीलिंग एनीमिया ग्रॉस डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स एंड इंक्रीज कैपिलरी
फ्रेजिबिलिटी क्या होगा, आपका जो घाव हो जाते हैं, घाव भरने में दिक्कत होगी, एनीमिया भी कॉज हो जाता है और इसकर भी रोग हो जाता है, ब्लीडिंग कम, मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, ये सब इसकी क्या है डेफिशिएंसी है। ये आपकी अगर कमी हो जाएगी विटामिन सी की तो ये प्रॉब्लम आपको अराइज हो सकती हैं। अमाउंट देखते हैं तो 32 लेके 45 mg होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।